नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्तनों के कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, और यदि आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो आप जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कैसे ले सकते हैं, और होम्योपैथी से आप विदाउट सर्जरी कैसे ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देख लीजिए और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। साथ में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप आपके नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं तो आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर दोस्तों मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, परंतु मोस्ट प्रोमिनेंटली ये फीमेल को होने वाली बीमारी है, जिसमें उनके ब्रेस्ट में गांठें बन जाती है, गठान बन जाती है। अब समझने की ये आवश्यकता है कि जो गांठें हैं वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, मतलब वो कैंसरस है या नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस में देखा गया है कि ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाते हैं, है ना, और गठाने बन जाती है जो कैंसरस नहीं होती है ना, परंतु किसी किसी केस में यही सिम्टम जो है कैंसर के भी होते हैं। तो आपको जब भी ऐसा फील होता है कि आपके ब्रेस्ट में कहीं गांठें बन गई है तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर बताएं, वो आपको जो है एग्जामिन करेंगे, फिजिकल एग्जामिन करेंगे, यदि हो सका तो अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी होती है वह भी करवा सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि ये कैंसरस है तो आप बायोप्सी करवा के और इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है इसके बारे में हम जाने, तो इसके कई सारे कारण होते हैं। अभी तक कोई पुख्ता कारण तो नहीं सामने आया है, परंतु कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ केस में हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, क्योंकि जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसमें मोस्टली तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है लोब्यूल, दूसरा होता है डक्ट्स और तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीनों ही पार्ट्स में आपको जो है कैंसर हो जाता है, परंतु जो लोब वाला हिस्सा होता है जिसमें मिल्क जो है प्रोड्यूशन होता है, मिल्क बनता है, उस पार्ट्स में हमको ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है। तो जब भी आपको कैंसर होगा तो उसके कारण क्या होंगे? सबसे पहला कारण होगा लेट मैरिज। बहुत से लोग लेडीज़ें होती है जो बहुत लंबे समय बाद शादी करती है ना, लगभग जो है हम मान के चले 40 की उम्र तक, 35 की उम्र तक शादी करते हैं, तो उस समय उनको ये ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, ये देखा गया है कि उन महिलाओं को जिनको डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद में वो अपने बच्चों को प्रॉपर फीडिंग नहीं करवा रही है ना, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, बच्चों को जो है ऊपर का दूध पिलाया जाता है, मदर अपना दूध नहीं प्रॉपर तरीके से पिला पा रही है, तो उस कारण से जो मिल्क शरीर में बन रहा है वो मिल्क जो है बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उस जो मिल्क सिक्रेटिव जो सेल्स होती है उसमें म्यूटेशन हो सकता है और हो सकता है उससे आपको कैंसर भी बन जाए। तीसरा कारण होता है दोस्तों कोई ट्रॉमा के कारण। यदि कहीं पर आपके ब्रेस्ट में कहीं पर कंजेशन हो गया है, कहीं आपने जो है किसी भी कारण से उसमें प्रेशर पड़ा हो, प्रेशर पड़ने के कारण भी आपको गांठें मिल सकती है, किसी एलोपैथिक ड्रग के कारण भी यह हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये अनुवांशिक हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिससे जो है मोस्ट प्रोमिनेंटली देखा गया है। इसके कारण, इसके अलावा भी कई सारे कारण जो है इसके हो सकते हैं। आइए दोस्तों, यदि आपको ये ब्रेस्ट कैंसर है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, इसका जो है पुख्ता तौर पे तो इन्वेस्टिगेशंस ही आपको बता पाएगी कि आपको कैंसर है या नहीं है, परंतु यदि आपको पता लगाना है कि आपके ब्रेस्ट में जो है लम्स है या आपके सिस्ट है या फिर आपको जो है किसी ट्यूमर आपके ब्रेस्ट में बन रहा है, तो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जा करके देखें, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पर बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी जिससे आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि जो है ये सिस्ट है या फिर ये ट्यूमर है। दोस्तों, क्या होता है कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है, जो आम पिट होती है उसके पास वाला जो पार्ट होता है, और जो नीचे वाला ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंटली कैंसर देखने को मिला है। यूं तो जो आपकी क्लेविकल होती है, ये जो बोन होती है, इसके नीचे भी कैंसर जो है अधिकतर हो जाता है। अब यदि ये कैंसर को आपने ट्रीट नहीं किया
तो ये कैंसर आपके जो है फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है। और बहुत से केसेस में दोस्तों देखा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत लेट सिम्टम देता है, आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना, और आपको कैंसर अंदर के अंदर डेवलप होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये तो कई सारे कारण हैं कैंसर पे, हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, तो इसको लेकर के आज बात करना उचित था कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है दोस्तों। तो आपको आपके नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके मेमोग्राफी करवाना है, सोनोग्राफी या बायोप्सी करवा करके कंफर्म करना है। अब यदि आपको ये मिल जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको करना क्या है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है, साथ में एलोपैथिक जो आपकी दवाइयाँ चल रही है नो डाउट उसको आप चलाते रहें, परंतु उसके साथ में होम्योपैथिक दवाई भी लेना है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई दोस्तों हर प्रकार के कैंसर पे बहुत अच्छे काम करती है और आपकी कैंसर की ग्रोथ को कम करती है, और जो सड़न पैदा हो रही है वहाँ पर, वहाँ उस सड़न को ख़त्म करके आपको एक क्वालिटी लाइफ देती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत शानदार है यदि आप सिम्टम के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो कोई फिक्स दवाई हमारे पास नहीं है, है ना, आपके इंडिविजुअल सिम्टम के अकॉर्डिंग जो है हम आपकी क्यूरेटिव दवाई ढूंढ सकते हैं। दोस्तों यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो कैंसर का मैनेजमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छे से हो सकता है। कुछ दवाइयाँ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत अच्छे से काम करती है कैंसर के केसेस में। सबसे पहले यदि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको कार्सिनोसिन 1 ml लेना है। कार्सिनोसिन 1 ml को आप जो है केवल संडे संडे लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कार्सिनोसिन दोस्तों कैंसर सेल से ही बनाया जाता है होम्योपैथिक तरीके से, और यह हर कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। यदि आप में टेंडेंसी है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है ना, और यदि एक समय तक आप जो है सारी चीज़ों को झेलते हो, यदि आप में कोई टॉर्चर कर रहा है, आप में आपको जो है आपको कोई सता रहा है, तो आप अंदर के अंदर वो सारी चीज़ों को सह लेते हो, परंतु यदि एक लिमिट हो जाती है, उस लिमिट के बाद में आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, और गुस्सा जब आप होते हो तो गुस्सा होने पर आप चीज़ों को फेंकने लगते हो, ये मेंटल कंडीशन है, तो आप कार्सिनोसिन को यूज़ करें, आपका कैंसर नो डाउट ठीक हो जाएगा, और आप देखेंगे कि कुछ ही महीने के ट्रीटमेंट में आपका कैंसर ख़त्म हो गया। अब दोस्तों अगली दवाई आती है कोनियम मैक। कोनियम मैक को 200 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बार लेना है दोस्तों, यदि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। कोनियम मैक भी बहुत अच्छी दवाई है यदि आप ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में लेते हैं, तो यदि आपको आपके निप्पल से कुछ ऊजिंग हो रही है, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ ब्लड आ रहा है, तो भी अच्छे से काम करती है दोस्तों, तो आपको कोनियम मैक 200 दिन में 2 बार लेना है। दोस्तों अगली दवाई आती है थूजा। थूजा 200 पोटेंसी में आपको दिन में सुबह सुबह 1 बार लेना रहेगी। दोस्तों इसके सिम्टम ये होते हैं कि आपको ओवरग्रोथ तो हुई है, साथ में आपके जो स्तन है वो कहीं ना कहीं एसिमेट्रिकल हो गया है ना, मतलब उसका शेप बिगड़ गया है, साथ में उसकी जो स्किन है वो काफ़ी रफ हो गई है, तो आपको थूजा जो है 200 पोटेंसी में सुबह सुबह लेना है। दोस्तों अगली दो दवाइयाँ आपको बताऊंगा जो आपके सिम्टम मैच करे तो आप ले सकते हैं। सबसे पहली दवाई है दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर 6X। कैल्केरिया फ्लोर ओवरग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, यदि आप पैल्पेट करके, एक्सरसाइज करके और सेल्फ एग्जामिन करके देखें कि आपके जो चेस्ट है उसमें जो ट्यूमर बन गया है, वह ट्यूमर यदि हिल डुल नहीं रहा है ना, मोबाइल नहीं है, वहीं पर फिक्स है, तो आप कैल्केरिया फ्लोर को यूज़ करें। कैल्केरिया फ्लोर को 6x पोटेंसी में 6-6 गोली दिन में 6 बार 5 बार आप लेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपका कैंसर धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। दूसरी दोस्तों दवाई है लैपिस एल्बम। लैपिस एल्बा दोस्तों यदि आपको ब्रेस्ट में कैंसर है, ट्यूमर है और वो हिल डुल रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, और लैपिस एल्बा मोबाइल यदि आपको जो लम्स है वो मोबाइल है, तो आपको ये बहुत अच्छा काम करेगी। लैपिस एल्बा को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, और आप इसका ट्राइचुरेशन भी 3x पोटेंसी में ले सकते हैं। यदि ट्राइचुरेशन ले रहे हैं तो आप जो है दिन में 4 बार 2-2 गोली करके ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बताई है जो आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मन से दवाइयाँ ना लें, आपके नज़दीकी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं तो आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, सभी तक शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।